छत्तीसगढ़ प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में एक 55 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई पदाधिकारियों एवं विशेष तौर पर महिला कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी संवेदना व्यक्त की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई की महिला सदस्यों ने अन्य वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर स्मृति नगर चौक पर शुक्रवार की शाम कैंडल जलाकर एवं राज्य शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया, क्योंकि बीते दिनों जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में एक 55 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी एवं प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने राज्य शासन से आग्रह किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार से आग्रह किया गया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो और विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रदेश में बेरोजगारी को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया। मेरा नाम ज्योति कपूर है। मेरा मानना है कि ये सारी जो घटनाएं होती हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो बेरोजगारी का ही नतीजा है। बेरोजगार मनुष्य क्या कर सकता है? नशा करेगा, अल्कोहल कर घूमेगा, उसकी गंदी नजरें होंगी और उसकी गंदी नजरों के कारण ही ये सब घटनाएं होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये बेरोजगारी की समस्या, उसको कुछ रोजगार मिल जाए तो ये घटना अपने आप ही कम हो जाएगी, हो सके तो बंद भी हो सकती है। हाँ, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तभी ये घटनाएं आगे आगे और बढ़ती ही जा रही हैं, कम तो हो नहीं रही हैं। अभी जो हम विरोध कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो अकलतरा आता है जांजगीर चांपा जिला के अंदर, वहाँ पे एक बहुत निर्मम तरीके से एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और निर्भया हत्याकांड जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसके ही जैसा उनके साथ रेप हुआ। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। इस चीज़ का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जो प्रदेश की सरकार है, हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि महिलाओं के सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान दें और आगे इस तरह की घटनाएं और ना हो, इस चीज़ का वो ध्यान दें। एक महिला होने के नाते आप घटना का विरोध कर रही हैं, क्या ये बता सकती है कि आखिर ये घटनाएं होती क्यों हैं? क्या मानती हैं आप? ये लोगों की मानसिकता है। आज के डेट में अगर हम मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो वहाँ पे लड़कियाँ बहुत फ्रीली घूमती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी है, वहाँ पे पुलिस की सेफ्टी बहुत अच्छी है। पर यहाँ छत्तीसगढ़ में देखा जाता है पुलिस की सेफ्टी बहुत कम है। यहाँ लोग पुलिस से मदद मांगने की जगह उनसे डरते हैं। पुलिस रात को राउंड भी नहीं लगाती है, अपने पुलिस प्रशासन भी उसके काम ढंग से नहीं कर रही है। इसलिए मेरे ख्याल से ये महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत अकलतरा क्षेत्र में एक 55 वर्षीय महिला के साथ निर्मम तरीके से बलात्कार कर उसका हत्या कर दिया जाना, कहीं न कहीं ये प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के दबाव में कार्य कर रही प्रशासन की नाकामी का एक सबूत है। जो निरंतर रूप से प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और अगर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी व्यवस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है तो कदापि प्रदेश भी सुरक्षित नहीं है। निर्भया हत्याकांड अभी तक देशवासियों के जहन से नहीं निकला है और ठीक उसी तर्ज पर अकरतला में एक 55 वर्षीय महिला के साथ हुए दुष्कर्म से छत्तीसगढ़ प्रदेश शर्मसार हो रहा है। जरूरी होगा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और ऐसे कृत्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा देकर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।